अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका नेमो किचन में। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बादाम का शरबत। बादाम के शरबत बनाने के लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पे 4 कप मैंने दूध लिया है, 30 से 35 अदद मैंने बादाम लिए हैं, 5 टेबल स्पून शुगर ली है, यहाँ पर 5 ड्रॉप्स हम लोगों को आलमंड एसेंस के चाहिए हैं, ठीक है, और 5 ड्रॉप्स हम लोगों को रेड फूड कलर चाहिए। अगर आपके पास रेड फूड कलर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह जामेश्वरी भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास आलमंड एसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे स्किप कर दें। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जूसर में ये मिल्क ऐड करना है। ये हम मिल्क ऐड करेंगे, हाफ हाफ करके बनाएं, क्योंकि एकदम सारा अगर आप भर देंगे तो वो गिरता भी और ठीक से ब्लेंड भी नहीं होता। अब हम इसमें बादाम ऐड कर रहे हैं, ये हमने इसमें बादाम ऐड कर दिए, शुगर भी साथ ही ऐड कर देंगे। ये अब हम लोगों ने इसमें आलमंड एसेंस ऐड कर दिया, और अब हम इसमें रेड फूड कलर ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें जी, अब हम इसे ब्लेंड करेंगे अच्छे से, 3 से 4 मिनट तक इसे ब्लेंड करें, ताकि ये अच्छे से जो है ब्लेंड हो जाए। यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे ब्लेंड किया, पर मैं यहाँ पे ये बताना भूल गई थी, हम लोगों ने इसमें सबसे इलायची डालनी है। अब इसे मज़ीद ब्लेंड करेंगे। ये देखें जी, इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। ये देखें जी, ये सारा हम लोगों ने ब्लेंड कर लिया। यहाँ पे मुझे 5 से 6 मिनट लगे हैं, और हमारा जो है बादाम का शेक कह लें, बादाम का जूस कह लें, बादाम का शरबत कह लें, बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसे ग्लासेस में ऐड कर रही हूँ। ये देखें जी, अब मैं इसे सारा ग्लासेस में ऐड कर दूँगी। बादाम के शरबत को हम लोगों ने ग्लासेस में ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने पिस्ते को चॉप्ड करके रखा था, उसे मैं इसकी डेकोरेशन कर रही हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा बादाम का शरबत बनके रेडी हो चुका है। ये इसकी फाइनल लुक है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप घर में कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, कोई भी चीज़ बना लें, तो उसकी थोड़ी बहुत ऊपर से डेकोरेशन कर दिया करें, क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, और जो चीज़ है ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लग जाती है। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ है अगर वो आँखों को अच्छी लगती है तो वो दिल करता है कि वो इंसान जल्दी से खा जाए। अगर खाने वाली है, अगर पीने वाली है, तो वो जल्दी से पी जाए। आज मैंने इसी की पिक्चर स्टेटस पर लगाई, तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया कि इस आइसक्रीम की रेसिपी मुझे भी ज़रूर देना। मैंने कहा ये आइसक्रीम नहीं है, तो इसीलिए कह रही हूँ कि चीज़ को जो है आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त बना देना है कि उसकी लुक ही चेंज हो जाए। तो टिप है, याद रखिएगा। और आप इस शरबत को रमज़ान वगैरह में भी बना सकते हैं, क्योंकि हेल्दी है। अक्सरियत रोज़े रख रख के एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तो ये हेल्दी है और इतना हैवी भी नहीं है कि पी के दिल ख़राब होने लग जाए। अगर आपके पास रेड फूड कलर नहीं है तो आप उसकी जगह ग्रीन फूड कलर भी डाल सकते हैं। अगर ग्रीन फूड कलर नहीं है तो उसके बगैर भी बना सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो साथ में बेल का आइकन है इसे ज़रूर प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।